वेलकम ट्रेनर्स, ठीक है आप कैसे हैं? तो ठीक है, आज हम बात करते हैं मैरिगल एक्सचेंज के यहाँ पर म्यू के बारे में। तो ये अपना म्यू है, ठीक है देख सकते हैं। ठीक है, अपना जो म्यू है वो थोड़ा सा कमज़ोर है यहाँ पे, क्योंकि उसका जो मतलब एफोर्ट वैल्यू इसके बराबर है, इसका जो मतलब इंडिविजुअल वैल्यू वो भी बराबर है, बस इसका इम्यूनिटी लेवल थोड़ा कम है, जिसके वजह से मैं इसको नहीं रख पा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, बाकी मैंने अल्टारिया का इतना ज़्यादा कर दिया कि वो मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, बड़े ईजिली यहाँ पर रख सकता हूँ मैं। ठीक है, और रह जाए इसका भी अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, जाएगा आइडिया तो हम पकड़ेंगे अभी। तो जैसे कि देख सकते हैं, जो अपना म्यू होता है वो कमज़ोर होता है, उसको स्ट्रॉन्ग करना बता दूंगा। अगर आपके पास म्यू नहीं है तो उसको कैच करना बता दूंगा। ठीक है, तो कैच करने के लिए यार आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, बेल आउट होता है, कहाँ पर मिलेगा मैं आपको सिंपल सब कुछ बता देता हूँ प्रोसेस वाइज। तो जो यहाँ पर प्रे का बटन होता है, इस पर जाने के बाद जब हम इसको प्रे करते हैं तो पोकेमोन पर जब भी आता है तो अधिकतर हमारे को बेल आउट पोकेमोन ही मिलता है, जिसका सबसे लास्ट वाला एवोल्यूशन वो था जो मैंने आपको दिखाया अभी। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर इसकी जायगार्डे सेल की। तो जायगार्डे सेल हमको जब हम क्वेस्ट करते हैं प्रोफेसर ओक के साथ तो हमारे को मिल जाते हैं सेल भी। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो आप डायमंड यूज कर सकते हैं। मैं डायमंड के लिए एक वीडियो लाने वाला हूँ फिर से। ठीक है, जो डिलीट हुई थी वो भी वापस आ चुकी है, मैं कहोगे तो मैं उसको एक्सपोर्ट कर दूँगा, यहीं से आप उसको देख पाओगे भी। ठीक है, उसके बाद ये हैगा अपना गैरीडोस। तो गैरीडोस के लिए हमारे को चाहिए होता है मैजिकर्प। मैजिकर्प आप इजीली कैच कर सकते हैं, बस इसको एवोल्यूशन में थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि ये स्टोन बहुत ही ज़्यादा लेता है। ठीक है, हमारी ये बात क्लियर। उसके बाद बारी है फैरो। तो फैरो के लिए स्पैरो हम इजीली पकड़ सकते हैं, उसको एवोल्यूशन करके यहाँ पे इफर्ट वैल्यू और इम्यूनिटी लेवल दे के कर सकते हैं यहाँ पर इक्विप। ठीक है, उसके बाद हमारे पास हो जाएगा म्यू। अब जिसके पास म्यू है उसके लिए मैं बता देता हूँ उसको क्या करना है, कि आपका पोकेमोन जो म्यू है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए और उसको आप एक्सचेंज कर पाए। तो यहाँ पर तो म्यू का भी हमारे पास आजकल मतलब स्टोन आ रहा है, म्यू है, म्यू मैरिकल बहुत ही अच्छा है दिखने में। ये भी म्यू को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यार मेरे को बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। ठीक है, मैं सब कुछ एक्सप्लेन कर दूँगा जिससे आप भी कर पाओ। देख सकते हैं यहाँ पर पावर जो है इसकी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, जब तक मैंने अभी तक तो वो ज़्यादा कुछ किया भी नहीं है। आपको भी नहीं करना, सिंपली बस इसको लायक बना देना कि आप इसको एक्सचेंज कर पाओ। तो उसके लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको लेवल 50 देना है, रार कैंडी खिला देनी बहुत सारी, नहीं पता तो मैं बता दूँ कहाँ मिलेगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर इम्यूनिटी लेवल पर अगर इसको बहुत सारे केक ठुसा देने हैं, इसका जो इम्यूनिटी लेवल होना चाहिए वो 40 होना चाहिए, 40। ठीक है, ये मतलब क्वान्टिटीज़ की होनी चाहिए इतनी, ये फ्रिक्वेंसी रहनी चाहिए इतनी। ठीक है, उसके बाद एफोर्ट वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर इसके पास होने चाहिए 252 एफोर्ट वैल्यू मैंने दे दिए इसके। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको कि अगर आपका लेवल 50 नहीं होगा तो आप इतना एफोर्ट वैल्यू इसको नहीं दे सकते। ठीक है, ये बात भी हमारी क्लियर हो चुकी है। इसको एवोल्यूशन देने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा कैसा आप इसको एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, नो एवोल्यूशन, नो नीड एवोल्यूशन, इसको पोकेडेक्स लेवल भी नहीं देने की ज़रूरत। उसके बाद जो यहाँ पर आने का हमारे को एक्सचेंज में, वो आने का है नहीं आने का वो आपको यहाँ पर डिसाइड करना है। मैं बताता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं जो अपना म्यू होता है, ठीक है, इस पर लिखा हुआ है यहाँ पर पर्पल चाहिए, मतलब म्यू या पर्पल है ना, तो हमारे को पर्पल म्यू ही चाहिए। तो हमारा म्यू पर्पल नहीं था पहले, वो कैसे हुआ मैं बताता हूँ। यहाँ पर एक्सचेंज पर आना है, अगर आपका पर्पल है तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पर अगर नहीं है तो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर एक्सचेंज पर आना है और यहाँ पर आने के बाद आपको म्यू सिलेक्ट करना है, ये रहा हमारा म्यू। इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर 75,000 कॉइन लगा देने। ठीक है, कॉइन अगर आपके पास इतने नहीं है तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं, क्या गया यहाँ पर से बाय कर सकते हैं। ठीक है, कॉइन्स को उसके बाद मैं चल गया आपके लिए इसको परचेज़ करके दिखा देता हूँ। इतने सिक्के लगा देता हूँ अपने दांव पर कि मैं आपको बता सकूँ अच्छे से मूव कैसे होगा। तो मैंने म्यू को यहाँ पर कर लिया है चेंज। ठीक है, तो यहाँ पर हम म्यू पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर हमें चाहिए एक आर चेन जो आपको मिलेगा सफारी में, और ये एकेंस, ये आपको एयरबुक एकेंस तो यार ऐसे ही आपको मिल जाएगा सड़कों पे चलता हुआ। ठीक है, इसको कैच कर लेना, और उसके बाद ये एक आर्चिन और ये आपका म्यू। ठीक है, ये सब होने के बाद इसको स्विच कर दीजिए, आपका जो इंडिविजुअल वैल्यू होगा वो पर्पल हो जाएगा, और फिर आप इसको एक्सचेंज कर लेना। यार 75,000 डायमंड खर्च करवा दिया आप लोगों ने, कोई बात नहीं। ठीक है, होता रहता आप सबके लिए, सब चलता रहता है। ठीक है, तो बहुत अच्छी तरह से मैं आपको समझा दिया हूँ सब कुछ। उसके बाद जो आपका भी म्यू मेरी तरह स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और आप इसको मेरिकल एक्सचेंज में एक्सचेंज करने के लिए लायक बना सकते हैं। अगर आपके पास म्यू नहीं है तो मैंने वीडियो को शुरू में ही आपको बता दिया कैसे आप इसको कैच करेंगे। ठीक है,
इनके मिरिगल एक्सचेंज के पॉइंट्स के जो जेम्स होते हैं इनके बारे में मैं आपको बारे में बताऊंगा। और जायगाडे के लिए अपनी वीडियो आज या कल में आ जाएगी, इसको भी आप ज़रूर देखना, बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि इसकी राइड के ही मज़े लेने वाले हैं उस वीडियो में हम। और कुछ दिन बाद आपको देखने के लिए मिलेगा जायगाडे 50%। इतना अच्छे से मैं सबके बारे में बताया, अल्टारी और रेजा इसको आप कैच कर सकते हैं, उनके वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आपको, ज़रूर जाके कैच करें, जायगाडे को बिल्कुल भी मिस ना करें। सिर्फ हमारे चैनल पर स्ट्रीमिंग हो रही है इस टाइम पर, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप न्यू हैं तो, इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।